भारत में कई भव्य और सुंदर महल, मंदिर, धर्मस्थल और स्मारक हैं, जिनकी सुंदरता का बखान कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो चलिए आज जानते हैं भारत के 10 सबसे सुंदर मंदिरों के बारे में। नंबर 1, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। यह हिंदुओं और खासतौर से वैष्णवों के लिए एक मुख्य तीर्थ स्थल है। यह मंदिर विश्व के सबसे क्रियाशील मंदिरों में शामिल है। यह मंदिर लगभग 156 एकड़ के क्षेत्र में बना हुआ है। इस मंदिर का परिसर 7 संकेंद्रित दीवारों के अनुभागों और 21 गोपुरम से बना हुआ है। यह मंदिर द्रविड़ियन युग की अद्भुत स्थापत्य व वास्तुकला का नमूना है। यह तमिलनाडु के श्रीरंगम में स्थित है। श्रीरंगम को त्रिवंगम और त्रिचिरापल्ली के नाम से भी जाना जाता है। थिल्लई नटराज मंदिर। यह प्राचीन मंदिर तमिलनाडु के चिदंबरम में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 2000 वर्ष पहले 12वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर में पल्लव काल की संस्कृति और कला का अक्ष दिखता है। इस मंदिर में नटराज की एक बेहद सुंदर प्रतिमा मौजूद है। मीनाक्षी मंदिर। माना तो यह जाता है कि मीनाक्षी मंदिर की स्थापना खुद भगवान इंद्रदेव ने की थी। अपने कुकर्मों के लिए जब पश्चाताप पर इंद्र निकले हुए थे और जब वो मदुरई के स्वयंभू लिंगम पहुँचे तो उन्हें लगा उनके सर से एक बोझ कम हो गया, तभी उन्होंने उस स्थान पर एक भव्य मंदिर की परिकल्पना की। सुप्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई शहर के मध्य क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर पार्वती मीनाक्षी रूप में शिव को समर्पित है। इस मंदिर में 33,000 से ज़्यादा मनोहर प्रतिमाएं मौजूद हैं और प्रवेश द्वार पर अनोखे गोपुरम भी बने हैं। इस मंदिर का सौंदर्य अतुलनीय है। नंबर 4, अक्षरधाम मंदिर। भारत की राजधानी दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर भारत के आध्यात्मिक इतिहास, वास्तु और शिल्प कला का एक बेहतरीन नमूना है। हर साल लाखों की संख्या में देश विदेश के पर्यटक इस मंदिर में आते हैं। इस मंदिर में 20,000 से भी ज़्यादा मूर्तियाँ मौजूद हैं। यहाँ बड़ी संख्या में पूरे विश्व से विभिन्न धर्मों को मानने वाले सैलानी आते रहते हैं। यहाँ आपको सांप्रदायिक एकता, अखंडता और सर्वधर्म सद्भाव की झलक देखने को मिलेगी। किसी भी धर्म को नहीं मानने वाले लोग भी यहाँ आकर शांति का अनुभव करते हैं। सोमनाथ मंदिर। सौराष्ट्र गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर को भारत के 12 महाज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। अपने हजारों वर्ष पुराने इतिहास में यह मंदिर कई बार ध्वंस हुआ है और कई बार नए रूप में निर्मित हुआ है। इस मंदिर को एक अहम तीर्थ स्थल माना जाता है क्योंकि यह एक त्रिवेणी संगम पर मौजूद है। जगन्नाथपुरी। ओडिशा के पूर्वी शहर में महानदी के किनारे स्थित ये हिंदू मंदिर धर्म के चारों धामों में से एक है। यहाँ नीम की छाल से बनी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति स्थापित है। बृहदीश्वरर मंदिर। तंजावुर तमिलनाडु में स्थित बृहदीश्वरर मंदिर सबसे विशाल मंदिरों में से एक है। चोल शासकों द्वारा निर्मित यह देवस्थान द्रविड़ शिल्पकला का एक बेहतरीन नमूना है। इस मंदिर को इसी महीने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भी स्थान प्राप्त हुआ है। खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के प्राचीन मंदिर अपनी भव्यता और अप्रतिम सौंदर्य के कारण सालों से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। खजुराहो के मंदिर अपने कामुक शिल्प कलाओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। यहाँ के मंदिरों की एक खास बात है कि यह मंदिर केवल हिंदू मंदिर नहीं बल्कि हिंदू और जैन मंदिरों का समूह है, जो यह दर्शित करता है उस समय कि भारत की संस्कृति किस प्रकार की रही होगी। तिरुपति बालाजी मंदिर। आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर को दुनिया का सबसे संपन्न हिंदू मंदिर माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान मंदिर वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं। ये कभी उलझते नहीं और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि ऐसा इसलिए है कि यहाँ भगवान खुद विराजते हैं। यहाँ जाने वाले बताते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यही कारण है कि मंदिर में मूर्ति हमेशा नम रहती है। भगवान बालाजी के मंदिर में एक दिया सदैव जलता रहता है।
इस दिए में न ही कभी तेल डाला जाता है और न ही घी डाला जाता है। कोई नहीं जानता कि वर्षों से जल रहे इस दीपक को कब और किसने जलाया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। हम ऐसे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सब वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।